हेलो एवरीवन वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड सो बच्चों अभी हम डिस्कस करेंगे नाइन्थ क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर ये करंट सेशन 2022 थाउजेंड ट्वेंटी टू टू ट्वेंटी के सेशन एंडिंग एग्जाम का पेपर है फॉर केंद्रीय विद्यालय स्टूडेंट्स और सबसे पहले है सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इनमें से किस टिश्यू में डेड सेल्स होती हैं बी ऑप्शन क्लियर इन करेक्ट नेक्स्ट इज अ पर्सन मेट विद एन एक्सीडेंट एक पर्सन का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें टू लॉन्ग बोन्स ऑफ हैंड वर्ड डिसलोकेटेड हाथ के दो बोन्स डिसोकेट हो जाती है विच अमंग द फॉलोइंग मे बी इनमें से कौन सा मे बी द पॉसिबल रीजन पॉसिबल रीजन हो सकता है लिगामेंट ब्रेक सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी की वैल्यू इज हाईस्ट एट इक्वेटर हाईएस्ट एट पोल्स लोवेस्ट एट पोल्स लोएस्ट एट इक्वेटर जी की वैल्यू हाईएस्ट होती है पोल्स पर और लोएस्ट होती है इक्वेटर पर बोथ बी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट नेक्स्ट इज वॉट इज ऐसा यूनिट ऑफ लाउडनेस लाउडनेस की एसआई SI यूनिट है डेसिबल डी ऑप्शन इज करेक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिय इनमें से कौन से न्यूट्रिएंट्स इज नॉट अवेलेबल इन फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स में अवेलेबल नहीं होते पोटेशियम भी, भी होता है फॉस्फोरस भी होता है नाइट्रोजन भी होता है आयरन नहीं होता सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट एप विथ स्ट्रेटेजी वुड हेल्प टू मिनिमाइज लॉस ड्यू टू इम्प्रॉपर स्टोरेज इम्प्रॉपर स्टोरेज में जो लॉस होता है इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी उसको मिनिमाइज करेगी सबसे पहले एडिंग मेन्योर टू द प्रोड्यूस अब अगर प्रोड्यूस कोई एडिबल चीज़ है राइस है या फिर वीट है आपने उसमें मेन्योर ऐड कर दिया तो वो खाने लायक ही नहीं बचेगी ये तो रॉन्ग है ड्राई करना प्रोड्यूस को सनलाइट में बिफोर स्टोरेज जो इमप्रॉपर स्टोरेज है उसमें काफ़ी लॉस होता है मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी की वजह से तो अगर आप पहले सुखा लेंगे प्रोड्यूस को ये दोनों कंटेंट उससे हट जाएंगे और लॉस मिनिमाइज होगा बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट है सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी दोनों पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज अ गोल कीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल फुटबॉल के गेम में जो गोल कीपर है वो पुल करता है अपने हैंड्स को बैकवर्ड पीछे की तरफ आफ्टर होल्डिंग द बॉल बॉल को होल्ड करने के बाद जो शूट की गई थी गोल की तरफ नाउ दिस इनेबल्स द गोल कीपर टू ये क्या इनेबल करता है गोलकीपर को ये रिड्यूस करता है उस फोर्स को जो बॉल एग्जर्ट करेगी उसके हैंड्स के ऊपर सो बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट है साथ अगर किसी ऑब्जेक्ट का की वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है कम हो रही है देन इट इज कॉल्ड इसको बोलते हैं रिटार्डेशन ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज अ पार्टिकल इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर एक सर्कुलर पाथ है आर रेडियस का जिसमें कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है इस तरीके से नाउ द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल आधे सर्कल को कंप्लीट करने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट होगा तो ये उसकी इनिशियल पोजीशन थी और ये फाइनल पोजीशन है दोनों के बीच में डिस्टेंस एक रेडियस और एक और रेडियस आर प्लस आर टू आर या फिर डी सो सी ऑप्शन टू आर इज करेक्ट नेक्स्ट है ड्यूरिंग समर समर्स में वाटर केप्ड इन एन अर्दन पॉट मिट्टी के बर्तन में जो पानी हम रखते हैं बिकम्स कूल cool. वो ठंडा हो जाता है बिकॉज ऑफ द फिन ऑफ किसकी वजह से इवेपोरेशन की वजह से सी ऑप्शन इज करेक्ट विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड इनमें से कौन एक कंपाउंड नहीं है सल्फ्यूरिक एसिड भी है वाटर भी है आइस भी है आर्गन नहीं है ये एक एलिमेंट है सो ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट है केमिकल सिम्बल फॉर नाइट्रोजन गैसेज नाइट्रोजन गैस का केमिकल सिम्बल है एंड टू एलिमेंट्स विद बैलेंसी वन आर वन वैलेंसी के जो एलिमेंट्स हैं अगर वन बैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो फिर वो मेटल्स होंगे और अगर सेवन बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो नॉन मेटल्स होंगे तो या तो मेटल्स हो सकते हैं या फिर नॉन मेटल्स सी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट इज विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ वैक्यूल इनमें से कौन सा वैक्यूल का एक फंक्शन नहीं है डी ऑप्शन लोकोमोशन इज करेक्ट नेक्स्ट है अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन ऑफ प्रो कैरियॉर्ड्स प्रो कैरियोड्स में जो एक अनडिफाइंड न्यूक्लियर रीजन है इज ऑल्सो नोन एज उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड डी ऑप्शन इज करेक्ट ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हैं अगले सेवन अगले जो चार क्वेश्चन हैं वो असर्शन और रीजन के हैं एक असर्शन की स्टेटमेंट है एक रीजन स्टेटमेंट है केयरफुली रीड करना है और करेक्ट ऑप्शन को मार्क करना है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन आप ए ऑप्शन को मार्क करेंगे अगर दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट है और रीज़न करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन की अगर दोनों करेक्ट है लेकिन आर करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता ए को तो फिर बी को मार्क करेंगे असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है तो सी को असर्शन ट्रू है सॉरी दोनों फॉल्स है तो फिर डी को ठीक है पहली स्टेटमेंट है एन ऑब्जेक्ट हैविंग अ कैपेसिटी टू डू वर्क एक ऑब्जेक्ट जिसमें कैपेसिटी है काम करने की इज सेट टू पोजेस एनर्जी हम कहते हैं कि वो एनर्जी को पोजेस करता है ट्रू स्टेटमेंट है द ऑब्जेक्ट विच डज वर्क वो ऑब्जेक्ट जो काम कर रहा है वो एनर्जी को लूज करता है एंड दी ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन जिसके ऊपर काम किया जा रहा है वो गेन करता है एनर्जी को ये भी ट्रू स्टेटमेंट है और आर करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को क्योंकि एक ऑब्जेक्ट जिसमें काम करने की कैपेसिटी है उसमें एनर्जी है और जब वो उस काम को करता है तो वो एनर्जी ट्रांसफर हो जाती है उस ऑब्जेक्ट में जिसके ऊपर काम किया जा रहा है तो ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट असर्शन है अ गन रिकॉल आफ्टर फायरिंग फ्रॉम अ बुलेट बुलेट को फायर करने के बाद एक गन रिकॉल करती है उसमें सडन बैकवर्ड मूवमेंट होता है रीज़न ये है एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल हमेशा इक्वल होते हैं और ऑपोजिट होते हैं और एक्ट करते हैं डिफरेंट बॉडीज़ पर तो ये भी ट्रू है कि बैकवर्ड मूवमेंट उसमें होती है सडन बैकवर्ड मूवमेंट और ये भी ट्रू है ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है और इसमें एक्शन फोर्स वर्क कर रहा है बुलेट के ऊपर जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है और सेम उसी फोर्स से जो गन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है वो है रिएक्शन फोर्स तो दोनों इक्वल फोर्स हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में है और डिफरेंट बॉडीज़ पर भी एक्ट कर रहे हैं गन के ऊपर और एक बुलेट के ऊपर तो दोनों ट्रू है और ये करेक्टली एक्सप्लेन भी करता है असर्शन को अगेन ए स्टेटमेंट करेक्ट है नेक्स्ट इज क्रोमोजोम्स आर कॉन्स्टिट्यूटेड बाई डी एन एंड प्रोटीन ट्रू स्टेटमेंट है क्रोमोजोम्स डी और प्रोटीन्स को मिलकर बनते हैं दीज आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ये भी ट्रू है थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर होते हैं क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता कि डीएनए और प्रोटीन के इसलिए बने हैं क्योंकि वो थ्रेड लाइक -like है तो ट्रू जरूर है दोनों बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक की सो बी ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट असन है नेफ्थलीन बॉल डज नॉट लीव अ यू ड्यू वेन केप्ट ओपन फॉर सम टाइम्स कुछ टाइम के लिए नेफ्थलीन बॉल को अगर आप ओपन में रख देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगी ये ट्रू स्टेटमेंट है द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इंटू सॉलिड गैस डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट होती है उसको कंडेंसेशन बोल बोलते हैं फॉल्स स्टेटमेंट है और इसका ये रीजन भी नहीं है इसमें जो नेफ्थलीन बॉल है सॉलिड है वो डायरेक्टली गैश फॉर्म में कन्वर्ट होती है जिसको हम बोलते हैं सबलिमिशन सो असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है सी ऑप्शन इज करेक्ट ओके नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन बी फर्स्ट क्वेश्चन इज वॉट आर द मेन डिफरेंसिस बिटवीन इंफ्रासाउंड एंड अल्ट्रासाउंड इंफ्रासाउंड ये बेयरली ऑडिबल साउंड्स हैं क्योंकि बहुत ही कम लो फ्रीक्वेंसी की होती है और अल्ट्रासाउंड भी मुश्किल से सुनाई देती है इनका रीजन बिल्कुल ऑपोजिट है क्योंकि ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी की होती है सो इंफ्रासाउंड इज barely ऑडिबल लो फ्रीक्वेंसी साउंड और इसके बिल्कुल ऑपोजिट अल्ट्रासाउंड भी लो फ्रीक्वेंसी की होती है लो फ्रीक्वेंसी सॉरी ये भी बेरली ऑडिबल होती है बट हाई फ्रीक्वेंसी की होती है बेरली ऑडिबल हाई फ्रीक्वेंसी साउंड के और में क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर ह्यूमन ईयर की ऑडिबल रेंज है ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स और एंड आल्सो राइट टू एप्लीकेशंस ऑफ अल्ट्रासाउंड अल्ट्रासाउंड के दो एप्लीकेशंस भी लिखनी है ट्वेंटी हर्ट्स टू ट्वेंटी थाउजेंड हर्ट्स ओके एक तो अल्ट्रासाउंड सर्जरी में यूज होता है जैसे कि स्टोन अगर है किडनी में तो उसको फाइन ग्रेन्स में ब्रेक करने के लिए अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है फर्स्ट एप्लीकेशन यूज इन सर्जरी एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं इन किडनी टू ब्रेक स्मॉल स्टोन्स इन टू फाइन ग्रीन्स और दूसरा ये होल ड्रिल करने में भी यूज किया जाता है या फिर कोई अगर डिजायर्ड शेप में आपको कट चाहिए फॉर एग्जाम्पल ग्लास में सो so, uh, used फॉर ड्रिलिंग और मेकिंग कट्स इन materials लाइक like ग्लास अगर जनरली आप उसमें होल करेंगे या फिर किसी शेप में उसको कट करेंगे तो वो ब्रेक हो सकता है टूट सकता है तो उसके लिए भी अल्ट्रासाउंड को यूज किया जाता है नेक्स्ट इज वॉट इज जी एम क्रॉप जीएम मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या है एंड गिव एन एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल भी आपको देना है तो प्लांट्स में जब डी एन ए को मॉडिफाई करते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग मेथड को यूज करके एग्रीकल्चरल पर्पज के लिए तो उसको बोलते हैं जीएम क्रॉप सो द्लांट्स इन विच डी एन एज बीन मॉडिफाइड यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग मेथड फॉर एग्रीकल्चरल परपज कल्चरल पर्पजस आर कॉल्ड जी एम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स और एग्जाम्पल बी टी ब्रिंजिल या फिर जी एम मस्टर्ड पटेटो ऑल्सो एक ही दिन है नेक्स्ट इज वट डू यू अंडरस्टैंड बाई एपीकल्चर एपीकल्चर से आप क्या समझते हैं एपीकल्चर मतलब बीकीपिंग मेथड ऑफ रियरिंग हनी बीज एपीकल्चर इज अड द मैथड ऑफ रियरिंग हनी बीज हनी बीज को पालना बीज नेक्स्ट है वॉट इसी में ही आगे वॉट आर दी एडवांटेजेस ऑफ एपीकल्चर एप्रीकल्चर के क्या एडवांटेजेस है इससे हमें हनी मिलता है इट प्रोवाइड प्रोडक्ट लाइक हनी एंड वैक्स नेक्स्ट इज डिस्टिंग बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी गिव वन एग्जाम्पल ऑफ इच स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में डिफरेंसेज बताने स्केलर ये वन डायमेंशनल होता है वन डायमेंशनल इनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और वेक्टर ये मल्टी डायमेंशनल होता है कैन बी मल्टी डायमेंशनल स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है इट हैज़ हैज ओनली मैग्नीट्यूड और वेक्टर में मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों होती है सो इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन डायरेक्शन उसके बाद एग्जांपल्स देने थे स्केलर uh, में होगा जैसे मास लेंथ कोई डायरेक्शन नहीं होती सिर्फ लेंथ मीटर सेंटीमीटर में होती है एंड टाइम एंड वर्क एट्सेट्रा और स्केलर में होगा जैसे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन वेलोसिटी एटसेट्रा नेक्स्ट इज क्लासिफाई द फॉलोइंग एज केमिकल और फिजिकल चेंज केमिकल या फिजिकल चेंज में क्लासिफाई करना है बटर मेल्ट हो गया एक पैन में फिर से आप उसको फ्रीज कर सकते हैं तो ये केमिकल सॉरी फिजिकल चेंज है रस्टिंग ऑफ अलमीरा ये केमिकल चेंज है बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड केमिकल चेंज डिजॉल्विंग ऑफ कॉमन सॉल्ट इन वाटर वाटर ये फिजिकल चेंज है इसके और में एक और क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोजीनियस एंड हाइड्रोजीनियस मिक्सचर दोनों में डिफरेंस बताना है और एक एक एग्जाम्पल भी देने हैं सो होमोजीनियस में यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होती है थ्रू आउट द मिक्सचर होमो मतलब सेम सो नंबर वन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर और इसमें डिफरेंट कॉम्पोजिशन होती है हेड्रोजीनियस में या फिर नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इसको आप फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते होमोजीनियस को कांट बी सेपरेटेड आउट फिजिकली और इसको फिजिकली सेपरेट किया जा सकता है क्योंकि हाइड्रोजीनियस है कैन बी सेपरेटेड फिजिकली एक एक एग्जाम्पल देना है uh, जैसे यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन होमोजीनियस में आपने एल्कोहल को मिक्स कर दिया है वाटर में तो फिजिकली अलग भी नहीं कर सकते एग्जाम्पल मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर और हाइट्रोजीनियस में होगा फॉर एग्जाम्पल आपने सांड को मिक्स कर दिया है वाटर में मिक्सचर ऑफ रेत सांड एंड ऑफ वाटर, तो फिजिकली उसको आप अलग भी कर सकते हैं एंड वाटर, और ये नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन भी है नेक्स्ट इज वाई लाइजोजोम्स आर नोन एज कैवेंजर ऑफ द सेल लाइसोजोम्स को सेल का स्कैंजर क्यों हम बोलते हैं क्योंकि लाइसोजोम्स में इस तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो अगर कोई भी फॉरेन मटेरियल है सेल के अंदर जैसे कि कोई बैक्टीरिया है तो वो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं प्लस कोई पुअरली वर्किंग अगर अगर ऑर्गेनल है सेल में तो उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं सो लाइजोजोम्स आर नोन एज स्कैंजर ऑफ द सेल्स बिकॉज दे पैनी एन्जाइम्स दैट डिस्ट्रॉय एनी फॉरेन मटीरियल एग्जाम्पल कोई अगर बैक्टीरिया है एनी बैक्टीरिया ऑल्सो इट ऑल्सो डाइजेस्ट्स अ पुअरली वर्किंग या फिर नॉन वर्किंग सेल ऑर्गेनल नेक्स्ट इज सेक्शन सी फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टाइरेटेड अनस्टाइरेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड लोकेशन और साइट इन द बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है और कहाँ पर लोकेटेड है उसके बेसिस पर आपको डिफरेंशिएट करना है स्ट्राइएटेड अनस्ट्राइएटेड और कार्डियक मसल्स को सो फर्स्ट स्ट्राइएटेड ये सिलेंड्रिकल होती है शेप में स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें सिलेंडरिकल एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड न्यूक्लिएटेड उसके बाद अन स्ट्राइट uh, ये शेप uh, में स्पिंडल शेप्ड होती है एंड ऑल्सो यूनी न्यूक्लिएटेड कार्डियक मसल्स ये भी यूनी न्यूक्टेड होती है और सिलेंड्रिकल होती है शेप में सिलेंड्रिकल एंड यूनी न्यूक्लिएटेड ओके नाउ लोकेशन और साइट स्ट्राइएटेड जो मसल्स हैं ये हैंड्स और लेग्स में मिलती है हैंड्स एंड लेग्स और अनस्ट्राइएट ये माउथ स्टमक इंटेस्टाइन एट्सेट्रा और कार्डियक मसल्स ये हार्ट में आर फाउंड इन द हार्ट ओके नेक्स्ट नाउ ट्वेंटी एट क्वेश्चन ए पार्ट ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ अ न्यूरोन न्यूरोन का वेल लेबल डाइग्राम ड्रॉ करना है सो so, ये डायग्राम है और लेबल आप करेंगे ये है सेल बॉडी या फिर साइटन डेंड्राइट एक्सन, न्यूक्लियस एंड नेक्स्ट बी पार्ट है व्हाट आर द मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन जयलम एंड फ्लोएम टिश्यू जायलम और फ्लोएम टिश्यू में मेन पॉइंट्स क्या है डिफरेंसेस के सबसे पहले जायलम ये वाटर और मिनरल्स को रूट से लीवस तक लेकर जाते हैं एंड फ्लोएम फूड को लेकर जाते हैं जो लीवस ने प्रिपेयर किया अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट में सो नंबर वन जायलम Conducts water and minerals from roots to leaves. And number one, phloem conducts food from leaves to uh, all parts of plant. फूड की ज़रूरत सभी पार्ट्स में है इसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो यूनी डायरेक्शनल होता है सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाता है ये सो ट्रांसपोर्ट इज़ यूनी डायरेक्शनल और इसमें जो ट्रांसपोर्ट है वो बाई डायरेक्शनल होता है ट्रांसपोर्ट इज बाई डायरेक्शनल डायरेक्शनल ओके okay, ये जो जाइलम है ये मेनली डेड एलिमेंट से बनता है कंपोज्ड ऑफ मेनली डेड एलिमेंट्स और इसमें होते हैं मेनली लिविंग एलिमेंट्स नेक्स्ट इज व्हाट इज मेंट बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव से आप क्या समझते हैं एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस हैं उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव सो द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस मेड बाय अ पार्टिकल ऑफ द मीडियम इन वन सेकेंड इज सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव आगे है सपोज अ पर्सन विसल स्टैंडिंग ऑन द मून मून पर एक पर्सन विसल करता है सिटी बजाता है विल द पर्सन स्टैंडिंग नियर बाई उसके पास में जो पर्सन खड़ा है क्या वो साउंड को सुन पाएगा गिव एक्सप्लेन गिविंग द रीज़न सो नहीं वो सुन पाएगा क्योंकि साउंड वेव को प्रोपोगेट करने के लिए एक मीडियम की ज़रूरत होती है और मून uh, के ऊपर कोई एटमोस्फियर नहीं है तो कोई मीडियम उसको नहीं मिलेगा साउंड को सो आंसर इज नो बिकॉज साउंड वेव्स need medium through which they can propagate propagate okay and since there is no material medium due to

फाइन द पोटेंशियल एनर्जी वैन इट रीचेज़ द हाइएस्ट पॉइंट पर जब वो पहुँची तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है कैलकुलेट द मैक्म हाइट इट रीचेज मैक्सिमम हाइट जिस तक वो पहुंचेगी सो मैक्सीम हाइट कैलकुलेट करते हैं पहले बॉल मैक्सिमम हाइट तक गई है तो फाइनल विलासिटी वी होगी जीरो फॉर्मूला है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में वी स्क्वायर इक्वल होता है यू स्क्वायर माइनस टू जी एच वी जीरो हो जाएगा जी, जी, जी जीरो स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर फाइव का स्क्वायर माइनस टू जी इज़ टेन एंड एच मैक्सिमम हाइट सो जीरो इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव माइनस टेन टू ज़ार ट्वेंटी एच ट्वेंटी एच को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करते हैं इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव सो एच इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव बाई ट्वेंटी फ़ाइव फाइव ज़ार ट्वेंटी फाइव फाइव फोर ज़ार ट्वेंटी फाइव बाय फोर मीटर नेक्स्ट कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी सो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू एम जी एच एम मास इज टेन जी इज टेन एंड एच इज़ फाइव बाई फोर सो टू टू जर फोर टू फाइव जर टेन टू फाइव जर टेन फाइव फाइव आर ट्वेंटी फाइव फाइव जर वन ट्वेंटी फाइव वन ट्वेंटी फाइव जूल नेक्स्ट इज इसके और में क्वेश्चन है अ बैटरी लाइट्स अ बल्ब एक बैटरी बल्ब को लाइट करती है डिस्क्राइब दी एनर्जी चेंजेस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस इस प्रोसेस में कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस होते हैं सबसे पहले बैटरी में जो सेल है उसकी केमिकल एनर्जी चेंज होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में एनर्जी जो फिर चेंज होगी लाइट एनर्जी प्लस हीट में नेक्स्ट बी पार्ट वॉट इज द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी फोर्स ऑफ ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा ऑन अ सैटेलाइट मूविंग राउंड द अर्थ उस सेटेलाइट के ऊपर जो अर्थ के चारों तरफ मूव कर रहा है तो यहाँ पर जो डायरेक्शन है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की सेटेलाइट के ऊपर वो डायरेक्टली पोपेंडिकुलर है डिस्प्लेसमेंट के सो वर्क डन होगा जीरो जो सेटेलाइट पर वर्क करेगी अर्थ सो ज़ीरो अच्छा एक्सप्लेन भी करना है सो सिंस डायरेक्शन ऑफ force of gravity on the satellite is perpendicular to its displacement so the work done on the satellite by the earth is zero नेक्स्ट इज एक्सप्लेन वाई वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम अ सॉसर रादर दान अ कप एक सॉसर में प्लेट में अगर गर्म चाय या दूध है तो उसको आप ज़्यादा जल्दी सिप कर पाएंगे कप के कंपैरिजन में क्योंकि सॉसर में जब आपने उसको स्प्रेड कर दिया है फैला दिया है तो सरफेस एरिया ज़्यादा हो गया है और जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होता है उतना ही रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होता है रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज़ होगा तो ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा जो हॉट टी या मिल्क था तो आंसर आप लिखेंगे वी आर एबल टू सेव टी और मिल्क फास्टर फॉमस ऑसर बिकॉज इट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया दैन द कप एंड लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर द रेट ऑफ इवेपोरेशन एवेपोरेशन का रेट अगर हायर है Uh, तो उसकी वजह से ड्यू टू विच टी और मिल्क कूल्स रैपिडली नेक्स्ट फिर से एक्सप्लेन करना है बाय आर पाम फील्स कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसिडोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट आप अपनी पाम के ऊपर हथेली के ऊपर एसिडोन पेट्रोल या फिर परफ्यूम अगर पुट करते हैं तो वो कोल्डर फील क्यों करती हैं क्योंकि ये तीनों चीज़ें इवेपोरेट हो जाती है और इवेपोरेशन के लिए जो हीट ये ऑब्जॉर्ब करती है वो आपकी पाम से ही करती है इस वजह से पाम कोल्डर फील होता है हमें सो बिकॉज एसिटोन पेट्रोल और परफ्यूम इवेपोरेट्स एंड ड्यूरिंग दे देजॉर्ब हीट

तो और डस्ट अगर किसी रूम में है और उसमें लाइट uh, एंटर कर रही है सनलाइट एंटर कर रही है विंडो से तो वो आपको विजिबल हो जाएगी आंसर आप लिखेंगे स्कैटरिंग ऑफ ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय मीडियम कंटेनिंग स्मॉल सस्पेंडेड पार्ट्स सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट नेक्स्ट है डूज सस्पेंशन शोज टिंडल इफेक्ट क्या सस्पेंशन टिंडल इफेक्ट को शो करता है सो यस बिकॉज ऑफ देयर लार्ज साइज ऑफ पार्टिकल्स नेक्स्ट इज लिस्ट द मेन पॉइंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम रदरफोर्ड का जो मॉडल था एटम का उसके मेन पॉइंट्स को उसकी जो मेन ऑब्जर्वेशंस थी वो आपको लिस्ट करनी है और रिलेटेड डायग्राम भी ड्रॉ करना है सो so, ये डायग्राम है रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशन थी वो न्यूक्लियस को लेकर थी कि एक ऐटम में पॉजिटिवली चार्ज डेंस और बहुत छोटा सा न्यूक्लियस होता है जिसमें कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नू, होते हैं और पूरा जो मास है एटम का वो न्यूक्लियस में ही कॉन्सेंट्रेटेड होता है सो नंबर वन एन एटम कंसिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस कंटेनिंग प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स एंड एंटायर मास ऑफ एन आटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस दूसरा इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कि न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियस Uh, के सराउंडिंग में नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि रिवॉल्व करते हैं सर्कुलर uh, पाथ में बहुत ही हाई स्पीड से और इन सर्कुलर पाथ्स को हम बोलते हैं ऑर्बिट्स so, ये ऑर्बिट्स हैं ये सर्कुलर है चारों तरफ इसके सर्कल में ये मूव कर रहा है सो सेकेंड न्यूक्लियस इज surrounded by negatively charged electrons electrons move revolve around nucleus in a circular path

इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव positive और पॉजिटिवली और जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं इज इक्वल और लास्टली जो न्यूक्लियस है वो बहुत ही स्मॉल होता है एटम के साइज के कंपैरिजन में नंबर फोर द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू साइज ऑफ एटम ओके okay. इसके और में क्वेश्चन है इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज एट एक एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज आल्सो एट प्रोटॉन्स भी एट है देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम एटॉमिक नंबर वही होता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं तो प्रोटॉन्स एट है तो एटॉमिक नंबर तो भी एट होगा नेम दी एलिमेंट ये एलिमेंट कौन सा है जिसमें 8 electron, 8 और 8 होते हैं फर्स्ट है 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 इज एक थर्टी फोर्थ क्वेश्चन के थ्री पार्ट्स है पहला है डिफाइन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन स्टेट करता है कि दो बॉडीज जो यूनिवर्स में हैं वो अट्रैक्ट करेगी एक दूसरे को Uh, उस फोर्स के साथ जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मासेस के प्रोडक्ट के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के सो so, फॉर्मूला होता है जी एफ इक्वल टू जी इंटू एम वन एम टू बाय आर स्क्वायर फोर्स जी ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है एम वन एम टू मासेज हैं और आर दोनों के बीच की डिस्टेंस है so the universal law of gravitation states that two bodies in the universe attract each other attract each other with the force force which is directly proportional प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस एम वन और एम टू की प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासिस और इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्योंकि अपन में है आर स्क्वायर मासिस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम बिटवीन दैम नेक्स्ट इज बी पार्ट व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की क्या इंपॉर्टेंस है यही लॉ है जो एक्सप्लेन करता है कि किस तरीके से सन के चारों तरफ प्लान मूव कर रहे हैं और मून का मोशन कैसे होता है के अर्थ के अराउंड और जो आर्टिफिशियल सेटेलाइट्स है वो के अर्थ के अराउंड किस तरीके से मूव करते हैं उनके मोशन को एक्सप्लेन करता है प्लस कुछ जो नेचुरल फिनोमेना है जैसे कि रेनफॉल कैसे होती है स्नोफॉल वाटर कैसे फ्लो करता है रिवर्स में और अर्थ के ऊपर वो सभी कुछ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही एक्सप्लेन करता है सो so, इंपॉर्टेंस है नंबर वन इट एक्सप्लेन्स द मोशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड मोशन ऑफ moon around the earth and motion of satellites artificial satellites satellites around the earth and second it also explain the natural phenomena like rainfall, snowfall, and flow of water in rivers on the earth. Okay, next is what happens to the force between two objects. फोर्स का क्या होगा इफ मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड अगर एक ऑब्जेक्ट का मास आप डबल कर दें तो फोर्स किसके इक्वल होता है जी एम वन इंटू एम टू बाय आर स्क्वायर बाकी सब कुछ कांस्टेंट है आपने एक मास को डबल कर दिया यानी कि जो पहले एम वन था अभी टू एम वन हो गया है तो पूरा का पूरा जो फोर्स है वो भी डबल हो जाएगा और अगर आप दोनों के फोर्स को डबल कर देंगे तो फिर वो फोर टाइम्स हो जाएगा सो so, बस एक्सप्लेन तो करना नहीं है सिर्फ यही लिखना है सो so, जो फोर्स है अगर एक मास एक ऑब्जेक्ट के मास को आप डबल करते हैं तो फोर्स बिटवीन देम आल्सो गेट्स डबल्ड विल आल्सो गेट्स डबल्ड नेक्स्ट इज राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ फॉर्मूला लिखना है सोडियम ऑक्साइड का एन ए टू ओ एंड एल्यूमिनियम क्लोराइड ए एल सी एल थ्री नेक्स्ट बी पार्ट इज राइट पॉस्चुलेट्स ऑफ डोल्टन एटॉमिक थ्योरी डोल्टन डोल्टन एटॉमिक थ्योरी के क्या पॉस्चुलेट्स थे नंबर वन उसने कहा था कि जो मैटर है वो बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से मिल बना है जिनको एटम्स बोलते हैं एटम्स को ना आप क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जो गिवन एलिमेंट्स के आइटम्स आइडेंटिकल होते हैं साइज़ में मास में और प्रॉपर्टीज़ में और डिफरेंट एलिमेंट्स के जो आइटम्स हैं वो डिफरेंट होते हैं साइज़ मास और दूसरी प्रॉपर्टीज़ में केमिकल रिएक्शन में एटम्स कंबाइन होते हैं सेपरेट होते हैं और रिअरेंज होते हैं सो so, ये फाइव पॉशुलेट्स थे नंबर वन मैटर इज मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी इंडिविजुअल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम सेकेंड atoms can neither be created and nor destroyed number 3 atoms of same elements are same in size and mass and properties और फोर्थ एटम्स ऑफ डिफरेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट इन शेप साइज मास एंड अदर प्रॉपर्टीज ये फोर्थ है एंड फिफ्थ इज इन केमिकल रिएक्शन रिएक्शंस एटम्स आर कंबाइंड सेपरेटेड एंड रीअरेंज नेक्स्ट इसके और में क्वेश्चन है राइट केमिकल फॉर्मुला ऑफ केमिकल फॉर्मुला लिखना है ऑफ क्विक लाइम क्विकलाइम इज कैल्शियम ऑक्साइड सी ए बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सो एन ए एच सी ओ थ्री सेकेंड इज राइट टू लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन एक्सप्लेन ऑल्सो केमिकल कॉम्बिनेशन के बहुत सारे लॉज हैं दो आपको लिखने हैं और एक्सप्लेन करने हैं सो फर्स्ट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो ये कहता है कि केमिकल चेंजेस में टोटल मास हमेशा कन्जर्व रहता है सेम रहता है रिएक्शन के पहले जो मास होगा वही मास रिएक्शन के बाद होगा सो so पहले तो स्टेट क्या करता है ये दैट इन केमिकल चेंज चेंज टोटल मास रिमेन्स सेम फॉर एग्जाम्पल मास बिफोर रिएक्शन इज इक्वल टू मास आफ्टर रिएक्शन एक एग्जाम्पल भी आप दे, दे देंगे क्योंकि एक्सप्लेन करना है फोर मार्क का क्वेश्चन है फॉर एग्जाम्पल एच टू एच टू प्लस सी एल टू ये गैशेज फॉर्म में है दोनों ही गिव्स टू एच सी एल एच सी एल अभी यहाँ पर मास है टू हाइड्रोजन का वन एंड टू सो मास टू प्लस सी एल टू में थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टू थर्टी फाइव पॉइंट फाइव इंटू टू फाइव टू ज़ार टेन वन टू जार टेन एलेवन थ्री टू जार सिक्स सेवन सेवेंटी वन टू प्लस सेवेंटी वन और इधर का मास कितना है टू इंटू एच सी एल वन प्लस थर्टी फाइव पॉइंट फाइव सो यहाँ पर मास है सेवेंटी थ्री इधर होगा टू इंटू थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव टू फाइव जार टेन वन सिक्स जर ट्वेल्व थर्टीन वन थ्री टू जार सिक्स सेवन सेवेंटी थ्री इक्वल सेवेंटी थ्री तो मास दोनों ही केसेस में कांस्टेंट है ये एक लॉ है सेकंड लॉ ऑफ कांस्टेंट या फिर डेफिनेट प्रोपोर्शंस प्रपोर्शन्स ये कहता है कि सभी केमिकल कंपाउंड्स में जो कॉम्पोजिशन है कि कोई भी उनका मेथड रहा हो प्रिपरेशन का या फिर कोई भी सोर्स हो वो हमेशा सेम रहता है फॉर एग्जाम्पल क्या है वाटर है H2O इसमें दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन ही होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन टू रेशो वन में ही होगी चाहे वो टैप वाटर हो या फिर रिवर का वाटर हो कोई भी वाटर हो ओके सो जनरेशन क्या है सोर्स ऑफ प्रिपरेशन क्या है वो मैटर नहीं करता प्रोपोर्शन हमेशा कांस्टेंट रहता है सभी केमिकल कंपाउंड्स में ओके नेक्स्ट इज थर्टी सिक्स का फर्स्ट पार्ट डिफरेंशिएट बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंशियट डिफरेंसेस uh, बताने हैं सबसे पहले प्लांट सेल कंपैरेटिवली लार्जर होती है एनिमल सेल से और रेक्टेंगुलर होती है शेप में रेक्टेंगुलर और जो एनिमल सेल है ये स्मॉलर होती है और राउंड होती है शेप में राउंड सेकेंड प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल वॉल प्रेजेंट इसमें सेल वॉल एबसेंट इसमें जो न्यूक्लियस है वो एक किसी साइड पर होगा और इसमें आ, ओके प्लांट सेल में नंबर थ्री ये है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल सबसे पहले शेप लार्ज इन शेप एंड रेक्टेंगुलर ये स्मॉलर है कंपेरेटिवली एंड राउंड सेल वॉल प्रेजेंट सेल वॉल एबसेंट न्यूक्लियस ऑन वन साइड किसी भी साइड हो सकता है इसमें न्यूक्लियस एट सेंटर सेंटर प्रेजेंट प्लास्टेड्स एबसेंट इब्सेंट सेंट्रोजोम्स एबसेंट इसमें सेंट्रोजोम्स प्रेजेंट एंड पांच ही लिखने वैसे तो इसमें एक बड़ा सा लार्ज वैक्यूल होता है सेंटर में वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल ल ई इज प्रेजेंट और इसमें बहुत सारे वैक्यूल्स होते हैं स्मॉल छोटे छोटे मैनी स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट ओके नेक्स्ट इज सेकेंड पार्ट वेयर आर प्रोटीन सिंथेसाइज इन साइड द सेल सेल में प्रोटीन कहाँ पर सिंथेसाइज होता है राइबोजोम्स में नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनल को पावर हाउस बोलते हैं सेल का को और रीजन है क्योंकि यहीं पर माइट्रोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर जहां पर एनर्जी एटीपी के फॉर्म में जनरेट होती है सो बिकॉज इट इज साइट ऑफ सेल्यूलर सेल्यूलर रेस्पिरेशन वेयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ऑफ ए टी पी इज जनरेटेड नेक्स्ट इसके और भी क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रो कैरियोटिक सेल्स एंड यू कैरियोटिक सेल्स प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंसेस बताने हैं तो सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस एबसेंट होता है न्यूक्लियस इज ऑब्सेंट इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूनि सेल्युलर होती है यूनिसेल्यूलर ये मल्टी सेल्यूलर होती हैं, मल्टी सेल्यूलर इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है सेल वॉल इज़ प्रेजेंट यहाँ पर सेल वॉल एब्सेंट होती है सेल वॉल एब्सेंट इनमें लाइजोजोम्स एबसेंट होते हैं जोजोम्स जोम्स एबसेंट यहाँ पर लाइजोजोम्स प्रेजेंट होते हैं जोजोम्स प्रेजेंट और एक और लिखना है अगर फाइव में तो एग्ज़ाम्पल आप दे सकते हैं नंबर फाइव एग्ज़ाम्पल्स आर्किया एंड बैक्टीरिया ये प्रोकैरियोट्स हैं यूकैरियोट्स में प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स नंबर फाइव प्लांट एंड एनिमल सेल्स नेक्स्ट इज व्हाट वुड हैपन टू तो द सेल सेल के साथ क्या होगा इफ देयर वर नो गॉल्जी ऑपरेटर्स अगर गॉल्जी ऑपरेटर्स ना हो तो गॉल्जी ऑपरेटर्स नहीं होंगे तो लाइसोजोम्स का प्रोडक्शन नहीं होगा और बहुत सारे डेड और डैमेज जो मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनल्स हैं वो सेल में इकट्ठे होते जाएंगे और अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी सो इन दबसेंस ऑफ या फिर इफ देयर वर नो गोल्जी ऑपरेटर्स लाइजोजोम्स वुड नॉट बी प्रोड्यूस्ड एंड देन ऑफ Of dead and damaged organelles in the cell would ultimately result in cell dead. Next. पार्ट इज ड्रॉ अ बैक्टीरिया सेल एंड लेबल इट एक बैक्टीरिया सेल को ड्रॉ करना है और लेबल करना है सो ये ड्राइंग है और लेबल आप करेंगे साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम्स इज सेक्शन ई ब्रदर फॉर्ड्स एक्सरे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इसमें एक पैराग्राफ आपको गिवन है एंड देन क्वेश्चन होंगे नीचे एक्सपेरिमेंट लेड टू द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस बोथ बट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस टू ओवरकम दिस ड्रॉबैक्स नील बोर्ड इन नाइनटीन थर्टीन प्रपोज अ न्यू मॉडल कॉल्ड बोर्स मॉडल ऑफ एटम अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नोन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर Allowed inside at inside the atom. While revolving in discrete orbit, the electrons do not radiate energy. These orbits or sh uh, shells are called energy levels and are represented by the letters K, L, M, N, and so on, or the numbers 1, 2, 3, 4. The distribution of electrons in these orbits is done by bohr burry scheme proposed by two scientists, Bohr and Burry. According to the scheme, maximum number of electrons present in a shell is given by the formula 2n square.

थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एम शेल में तो एटॉमिक नंबर कितना है सो के शेल एम शेल सॉरी के एल एंड एम के पूरी फील्ड होगी एम पूरी फील्ड होगी सॉरी एल पूरी फील्ड होगी के एल एंड देन एम में फाइव होंगे फाइनल के फर्स्ट है इसमें टू मैक्सिमम हो सकते हैं टू एल में होंगे एट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और फाइनली एम में है थ्री वन टू थ्री सो टू प्लस एट टेन इलेवेन ट्वेल्व थर्टीन तो इसका एटॉमिक नंबर है थर्टीन नेक्स्ट इज़ ड्रॉ द डायग्राम शोइंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कार्बन कार्बन में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन शो करना है आपको इलेक्ट्रॉन्स का सो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें ये न्यूक्लियस है इसका सिक्स प्रोटॉन्स एंड सिक्स न्यूट्रॉन्स उसके बाद ये फर्स्ट ऑर्बिट दो इलेक्ट्रॉन्स बाकी चार बजे में होंगे सेकेंड में वन टू थ्री एंड फोर एल ओके नेक्स्ट नेक्स्ट इज राइट द ड्रॉबैक्स ऑफ रदर फोर्ड्स मॉडल रदर फोर्ड के मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे दैट ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम एंड हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द न्यूक्लियस चलिए दैट्स ऑल एक और पैराग्राफ है द लीफ इज द मेन फोटो सिंथेसिस ऑर्गन इन अ प्लांट इट कंट्रोल्स गैस एक्सचेंज एंड द अमाउंट ऑफ वाटर लॉस इन प्लांट अपर एपिडर्मल सेल कंटेन नो क्लोरोप्लास्ट एक्सेप्ट द गार्ड सेल्स दे फॉर्म लेयर्स ऑन द अपर एंड लोअर सर्फेस ऑफ द लीफ देयर फंक्शन इज टू प्रिवेंट वाटर फ्रॉम गेटिंग आउट एंड स्टॉपिंग अनवॉन्टेड सब्सटेंसेज और ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम गेटिंग इन द पैलीसेड मेजोफिल लेयर इज़ वेयर मोस्ट ये मिडल लेयर है मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस अगर इन द लीफ द पैलीसेड सेल्स कंटेन अ लॉट ऑफ क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट मिडल सेल में पैलीसेड मेजोफिल में होते हैं टू हेल्प दैम परफॉर्म फोटो सिंथेसिस और सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस इसी लेयर में होता है जो सबसे नीचे वाली लोअर एपिडोमिस है बॉटम लेयर है सेल की लीफ की एंड इस वन सेल थिक सेल थिक है दे मे नॉट कंटेन अल विद इन द लोअर एपिडोमिस देर आर सम होल्स फाउंड इन द लीवस कॉल्स टोमेटा इसमें इस टोमेटाज होते हैं ये होल्स हैं जो अलाउ करते हैं गैसेज को टू डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द लीवस दर फॉर्म्ड बाई टू हाईली स्पेशलाइज्ड एपिडाम सेल कॉल्ड गार्ड सेल्स गार्ड सेल्स आर दैल्स दैट कंटेन क्लोरोप्लाट्स ना फर्स्ट क्वेश्चन इज मैं एनी टू फंक्शन ऑफ लोअर एपिडोमिस लोअर एपिडोमिस के दो फंक्शंस बताने हैं सो so, पैराग्राफ में तो एक ही गिवन है कि जो लोअर एपिडोमिस है, इसमें स्टोमेटास होते हैं जो गैस गैस के एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं सो फर्स्ट इज इट अलाउ गैसेस टू डिफ्यूज इन एंड आउट ऑफ द लीव्स। और एक आपको खुद से लिखना होगा जो लोअर एपिडोमिस है ये हेल्प करती है दब्जॉर्बशन ऑफ सनलाइट नंबर टू हेल्प्स द लीव इन अब्जॉर्बन ऑफ सनलाइट जो हेल्पफुल होता है सन एन आई जी एच टी जो हेल्पफुल होता है फोटोसेंथिस ने. में नेक्स्ट इज वेयर आर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द लीफ लीफ में क्लोरोप्लास्ट कहाँ पर प्रेजेंट होता है सो अपर एपिडामिस में बिल्कुल नहीं होता नो क्लोरोप्लास्ट क्लोरोप्लास्ट था द पैलिसड सेल्स कंटे पैलीसेड बेजोफिल में लेर इन दैलीस्टेट मेजोफिल लेयर ओके नेक्स्ट ड लिस्ट वन स्ट्रक्चर एंड वन फंक्शनल डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर एपिडोमिस अपर और लोअर एपिडोमिस के क्या डिफरेंट फंक्शंस हैं और स्ट्रक्चर हैं सो अपर एपिडोमिक सेल जो है इसमें क्लोरोप्लास नहीं होते इसमें ओके फंक्शन देखते हैं पहले फंक्शन है प्रिवेंट वाटर फ्राम गेटिंग आउट एंड स्टॉपिंग अनवॉन्टेड सब्सटांसिस और ऑर्गेनिज्म फ्राम गेटिंग इन कोई अनवांटेड ऑर्गेनिज्म या फिर वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस में स्टोमेटा होते हैं ये अलाउ करते हैं गैसेस के एक्सचेंज को सो so ये दो फंक्शनल डिफरेंस है एंड स्ट्रक्चरल दे दे फॉर्म लेयर ये एक अपर और लोअर सरफेस के बीच में एक लेयर फॉर्म करती है स्ट्रक्चर की अगर बात करो उसमें स्टोमेटाज होते, है, होते हैं लोअर एपिडर्मिस में होल्स होते हैं okay next next is walking on the road is possible only due to a force in order to walk we push out our foot against the ground and thus exert a force in backward direction obliquely the ground exerts an equal force in the opposite direction walking on a muddy road or on ice is difficult because we cannot exert a force in backward direction effectively hence in response a ground does not exert sufficient force in forward direction needed for थर्ड लॉ ऑफ मोशन बिटवीन टू बॉडीज बाई फर्स्ट बॉडी ऑन दिट टू फोर्स अपलाइड बाई द सेकंड बॉडी ऑन द फर्स्ट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज डो नॉट कैंसल इच अदर दिफरेंट बॉडीज ओके क्वेश्चन थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है एक्शन ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्ट करते हैं किसी भी एक बॉडी पर नॉर्मल टू इच अदर

तो रिएक्शन फोर्स क्या होगा उसने सर के ऊपर प्रेशर को एक्सर्ट किया सर अभी प्रेशर एक्सर्ट करेगा सूटकेस के ऊपर सूटकेस ऑन दी अर्थ अर्थ ऑन द पॉटर अर्थ ऑन द सूटकेस हेड ऑन दी सूटकेस डी ऑप्शन इज करेक्ट ये होगा रिएक्शन फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में और जो बॉडीज है वो सेम रहेगी नेक्स्ट है अ मैन ट्राइज टू रिमेन इन इक्वलीब्रियम बाय पुशिंग विद हिज हैंड्स एंड फीट अगेंस्ट टू पैरल वॉल्स फॉर इक्वलीब्रियम दो वॉल्स के बीच में वो पर्सन है और पुश कर रहा है दोनों को इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए फ्रिक्शन मस्ट बी प्रेजेंट अगर फ्रिक्शन नहीं होगा वॉल के ऊपर तो वो नीचे गिर जाएगा ए ऑप्शन इज करेक्ट नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अ बॉल ऑफ मास्ट टू के ऑफ टेन मीटर पर के वेलोसिटी से दो किलो की एक बॉल आती है हिट करती है बॉल को टेन मीटर पर सेकेंड से रीबाउंड होती है दो सेकेंड इन टू सेकेंड अच्छा ये टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट है वॉट इज द फोर्स एग्जर्ट बाय द वॉल ऑन द बॉल बॉल कितना फोर्स एग्जर्ट करेगी बॉल के ऊपर तो फोर्स होता है डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम बाय डेल्टा टी चेंज इन टाइम सो पहले पी आई इनिशियल मोमेंटम इनिशियल पी कैलकुलेट करते हैं दिस इज इक्वल्स टू एम वी इज टू वी इज टेन टेन टू जार ट्वेंटी दिस इज ट्वेंटी के जी मीटर पर सेकेंड इनिशियल मोमेंटम है अभी ये मान लीजिए बॉल थी यहाँ से बॉल आई तो ये डायरेक्शन इसको हम पॉजिटिव लेते हैं फिर वापस गई रीबाउंड हुई ये नेगेटिव डायरेक्शन है सो ये प्लस होगा यहाँ पर ना फाइनल मोमेंटम पी एफ पी फाइनल इक्वल्स टू अगेन एम वी एम टू है और वी वापस जो गई है इसको लेंगे माइनस टेन सो दिस इज माइनस ट्वेंटी के जी मीटर पर सेकेंड चेंज इन पी चेंज इन मोमेंटम इज पी आई इनिशियल पी माइनस पी एफ सो पी आई इज़ ट्वेंटी एंड माइनस पी एफ इज अगेन माइनस ट्वेंटी ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी इज फोर्टी चेंज इन पी इज फोर्टी एंड चेंज इन टाइम टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट वॉज टू सो आंसर इज ट्वेंटी न्यूटन फोर्स ऑप्शन डी इज़ करेक्ट ओके दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ये था नाइन्थ क्लास साइंस का एक क्वेश्चन पेपर थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग